तीखा नहीं चाहिए और खट्टा भी कम चाहिए, और प्याज अच्छे से चाहिए। ओह माय गॉड, क्या क्या डाला भैया आपने इसमें? टमाटर, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च डलेगी, नींबू डलेगा, धनिया पत्ते डलेगा, हरी मिर्च, धनिया और नींबू मसाले, बस मसाले, नींबू और मसाले, सिंपल। ओ ये वाली मिर्च, ये तो डाल दो आराम से। ये गया चना जोर गरम, आए ढेर सारे धनिये, ये मसाला, नमक, और ये गया हमारा प्यारा मित्र नींबू, गर्मियों का साथी, जिसके बिना है चाट अधूरी। हाय हाय, देख के मुंह में पानी आ रहा है। मिक्सिंग 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 मिक्सिंग, और पावड़ी स्टाइल में ये हम हैं, ये हमारे पतिदेव है, ये हमारी चना जोर गरम है, और हमारी पावड़े हो है। एंड सच्ची बता रही हूँ, इस पूरे 1.5 साल में स्ट्रीट फूड को जितना मैंने मिस किया, उतना पता नहीं किसने मिस किया, सबने ही किया होगा, बट चना जोर गरम इज लाइक ओह माय गॉड यम्मी। मैं गाड़ी में बैठती हूँ, गाड़ी में बैठ के खाऊंगी ताकि आराम से खा सकूँ और आपको भी दिखा सकूँ। तो दोस्तों, ये चना जोर गरम तो बड़ी जोरदार है, मजा आ गया यार, ओह माय गॉड, बचपन की याद ताजा हो गई। हम जब बिहार में रहते थे ना, तब हम झालमुड़ी, चना जोर गरम, पॉपकॉर्न के झालमुड़ी, चना की झालमुड़ी और मूंगफली की झालमुड़ी, मतलब अलग अलग तरीके से जो स्नैक्स होते ना बनते थे, पर हम उसे बहुत इंजॉय करते थे। शादी के बाद, राजस्थान आने के बाद, ये सब चीजें बहुत कम हो गई, और यहाँ राजस्थान में ना बहुत ज्यादा अच्छी मिलती भी नहीं है। बट वैशाली नगर में ये जो भैया बैठते हैं ना वाटिका के बाहर, वाटिका या जैकल जैन के बीच में बैठते हैं, एक छोटा सा अपना वो ठेला लेके बैठते हैं, ये कमाल के झालमुड़ी बनाते हैं। और ये भैया खुद भी थोड़ा उस साइड के ही है, हमारे यूपी बिहार साइड के, तो कमाल के झालमुड़ी बनाते हैं। और टेस्ट, अगर आप बोल दो खट्टा ज्यादा चाहिए तो खट्टा बनाएंगे, तीखा ज्यादा चाहिए तीखा बनाएंगे, बीच का चाहिए तो बीच का बनाएंगे, तो मतलब मेरे तो मजे हो जाते। खैर, लेकिन मैंने इतने दिन कंट्रोल किया, नहीं खाया, बट आज तो देखकर मैंने बोला सुनो, एक 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 एक, और बस ये एक मजेदार है। मैं एंजॉय करती हूँ, आपसे बाद में मिलती हूँ। ले लो आप साइकिल, कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा वो, आया आया तुम्हारे पास आ रहा है। चैनल, कैसे हैं आप सब? चना जोर गरम की पार्टी कैसी रही? अच्छी थी ना?
हाँ मेरे से पूछोगे ना तो बहुत अच्छी थी, और मुझे लगा कि काश मैंने एक प्लेट और बनवाया होता, आया था चना जोर गरम या झाल मुड़ी। आई मिस्ड इट। ठीक है, लेकिन उस टाइम ना पेट में बिल्कुल जगह नहीं थी, वो देख के बस है ना रहता ना क्रेविंग होने लगती है, अरे यार खाना है वो वाला। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम गए शॉपिंग के लिए, बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए, समर के बच्चों ना ग्रोइंग एज में ना कपड़े खरीदना मतलब लाइक कैसा लगता है, जितना खरीदो उतना कम है, मतलब अभी खरीदो 4-5 महीने बाद आपको ये लगेगा कि छोटे हो गए, चाहे बेबू की हो चाहे आना की हो चाहे या दुनिया का कोई भी बच्चा, सब सारे पेरेंट्स को यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। खैर वैसी प्रॉब्लम मुझे भी फेस करनी पड़ती है, लेकिन अब कब तक आना के साथ बड़ी नाइंसाफी होती है इस चक्कर में कि बेबू को छोटा हो गया तो आना ने पहन लिया, लेकिन इस बार उसके साथ एक क्या कहते हैं वो बच गई, क्योंकि इस बार बेबो ने अपने कपड़े इतने गंदे किए कि अब वो कपड़े आना नहीं पहन सकती थी। इस बार फाइनली आना के लिए शॉपिंग हो रही है, ऐसा नहीं है आना की शॉपिंग नहीं होती, होती है, लेकिन बेबो के कंपैरिजन उसकी शॉपिंग कम होती है। तो फाइनली शॉपिंग हुई, और ये मंथ तो स्पेशल भी है भाई, आना का बर्थडे मंथ है तो कुछ ना कुछ तो आना ही था, तो हमने जाके शॉपिंग की समर के कपड़ों की भी और सिंपल सी सोबर सी आहाना की बर्थडे ड्रेस की भी। लाइक मेरी आहाना को ना बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े, बहुत ज़्यादा लाइक लेयर वाले फ्रॉक्स वगैरह नहीं पसंद है, उसे सिंपल सोवर कपड़े पसंद है, तो हम सिंपल एंड सोवर ही लेके आते हैं उसके लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को, लगा जबरदस्ती का लंबा नहीं करते हैं, देखते हैं आहाना और बीबू के लिए समर स्पेशल हम क्या लेके आए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस क्यूट सी हॉट पैंट से, क्यूट है ना हॉट पैंट, हॉट पैंट तो लाइक कुछ भी हो, कोई भी हो कैसी भी हो, हॉट पैंट हमेशा सबसे बेस्ट होती है, दी बेस्ट। और इस हॉट पैंट के साथ लाई मैं ये क्यूट सा क्रॉप टॉप, अच्छा लगेगा ना, ये देखो ऐसे अच्छा लग रहा है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये एक सेट हो गई आना की डिसेंट सी ड्रेस, अब मैं दिखाती हूँ आना को बर्थडे पे जो पहनाएंगे। ये अगेन अ हॉट पैंट बट इन ब्लैक कलर, और इस हॉट पैंट के साथ हम लाए ये सीक्वेंस की टी शर्ट क्रॉप टॉप, अगेन क्यूट है ना ये क्रॉप टॉप, ये क्रॉप टॉप ना देखते ही पसंद आया था, ये देखो इतने स्मार्ट लग रहे हैं ना, आना पहनेंगे ना बहुत क्यूट लगेंगे। तो ये तो हो गई दो ड्रेसेस आना की, क्रॉप टॉप और हॉट पैंट। आप कुछ टी शर्ट्स लेके आए समर स्पेशल, सबसे बेस्ट और रवि का दी फेवरेट, Every summer has a story। और ये वाली टी शर्ट ना बीबो और आहाना की सेम सेम लेके आया रवि, उसे बहुत अच्छी लगी, और ये टी शर्ट हमने ली जिनी एंड जॉनी से। ट्रस्ट मी मैं इससे पहले जिनी एंड जॉनी कभी नहीं गई, दिस वॉज वन फर्स्ट विजिट और आई एम इन लव, लाइक मैं घुसी, मुझे मैंने कहा मुझे टीस चाहिए बच्चों की, गर्ल्स इस एज ग्रुप ऑन इस एज ग्रुप, They said, okay, मैं गई और oh my god, it was so difficult job। जो निकाल रही हूँ वो पसंद आ रहा है, जो निकाल रही हूँ वो पसंद आ रहा है, बट स्टिल अब पूरी दुकान तो शॉप करनी नहीं थी, लिमिटेड चीज ही खरीदनी थी, तो फाइनली बड़े मुश्किल मेहनत मशक्कत के बाद हमने ये वाली टी शर्ट और एक सेट था 3 टीज का सेट 899 में, वो हमें बहुत अच्छा लगा, समर के हिसाब से कलर्स भी बहुत प्रिटी हैं और टीज भी बहुत लाइट कलर की क्यूट सी सिंपल सी टी शर्ट जो घर में आप आराम से पहनाओ बच्चों को, तो बहुत अच्छी लगी। ये देखिए उसमें से एक है कि क्या लिखा है इसमें, व्हेन इन डाउट ट्रैवल, दिस अगेन दिस माय फेवरेट प्लेस, ऐसा मन करता है ना वापस बचपन में पहुंच जाओ, इतने प्यारे प्यारे कलर, इतने सारे ऑप्शन, ओह माय गॉड, एंड दिस ट्रैवल न्यू प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड एंड कलर इज लाइक ओह माय गॉड।
और इसके अलावा वैशाली में एक शॉप खुली है टाइनी मफेट बोल के, उससे मैं आना के क्रॉप टॉप ऑफ हॉट पेंट्स लेके आए और वहीं से मैंने एक नाइट सूट भी लिया। ये मुझे मतलब जस्ट ऐसे रैंडम पसंद आ गया, सिंपल सा क्यूट सा। तो ये तीन पीस का सेट है, ये फुल पैंट है इसकी, ये हाफ पैंट है, इसके साथ ये टी शर्ट है। अच्छी है ना, क्यूट सी सिंपल सी, मेरे को ना सिंपल सिंपल चीजें ना अच्छी लगती है। तो ये तो थे आना के, बहुत ज्यादा कपड़े नहीं शॉप किए क्योंकि बड़े जल्दी छोटे होते हैं यार। और बेबो के तो चलो अगर खराब नहीं हो तो आहना को पहना दो, लेकिन आहना के कपड़े क्या छोटे हो जाएंगे। तो बस इसीलिए इतने आराम से पूरा समर निकलेगा, पूरी समर मुझे आई डोंट थिंक सो कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ शॉपिंग करने की ज़रूरत है। तो ये थे आहना के, अब मैं दिखाती हूँ मेरी बेबो के कपड़े। लुक एट दिस, है ना क्यूट सी स्कर्ट, बट ये स्कर्ट नहीं है, ये टू इन वन है। लगता है स्कर्ट है बट ये है हॉट पैंट, और इस हॉट पैंट के साथ मैं लेके आई ये वाली टी शर्ट। बाय द वे ये हॉट पैंट मैंने ली फर्स्ट प्राइस से, और दिस टी शर्ट मैंने ली जेनी एंड्रॉय से। मैं ये हॉट पैंट ले चुकी थी, लेकिन जब ये वाली टी शर्ट देखी ना तो मैंने सोचा कि ये टी शर्ट इस हॉट पैंट के साथ एकदम दी परफेक्ट लगेगी, दोनों का कलर बहुत अच्छा लगेगा और पहने में भी बेबो के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। तो बस ये वाली हॉट पैंट और ये टी शर्ट का मैंने एक सेट बना दिया। तो ये हो गई बेबो की एक ड्रेस। ओके, अब मैं दिखाती हूँ दूसरी बेबो की दूसरी हॉट पैंट कहाँ है। ये रही जीन्स, इज ना माई ऑल टाइम फेवरेट मटेरियल, लाइक कुछ भी खरीद लो जीन्स का अच्छा ही होता है। और ये है एकदम सॉफ्ट वाला मटेरियल, एकदम सॉफ्ट वाला जो आराम से धोया साफ और बच्चों को कंफर्टेबल रहता है वो अलग। एक ये वाली जो हॉट पैंट ली, ये भी अगेन फ्रॉम फर्स्ट ट्राई, और इस हॉट पैंट के साथ ली मैंने फर्स्ट ट्राई से ही सेम ये वाली टी शर्ट। अच्छी है ना, क्यूट है, और ये दोनों पहने के बहुत अच्छे लगे, कॉम्बिनेशन लाइट एंड डार्क का बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गया एक सेट बेबो का। तो मतलब दो मैंने सेट लिए और बाकी मैंने ऐसी रैंडम टी शर्ट्स परचेज की, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आना की तीन टी शर्ट का सेट लिया ना, वैसे ही बेबो की भी तीन टी शर्ट्स का सेट लिया, लेकिन उससे पहले जो सेम टू सेम टी शर्ट दोनों की खरीदी ना, एवरी समर हैज अ स्टोरी। तो ये रहा वो एवरी समर हैज अ स्टोरी वाला टी शर्ट जो रवि का फेवरेट है। ये ऐसा वाला ऐसा कलर है जो किसी भी चीज के साथ चल जाएगा। तो बस एक ये टी शर्ट हो गई, एंड नाउ जो पैक ऑफ थ्री है 899 वाला, ये वो है। हैप्पी हॉलीडेज, डू यू वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड, डू यू वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड, बेबो वॉन्ट्स टू सी द वर्ल्ड आफ्टर वेयरिंग दिस टी। She is going to say, Mama, I want to see the world. Oh, what is your favorite drink in summer? Tell me. Bebo ka favorite drink pata hai kya hai? Read. Mint lemonade. Ye jis din banegi, us din bolegi, Mama, mujhe lemonade peena hai. Dekh rahi hai abhi side se. अरे खाली दिखाते ही रहोगे या मुझे ट्राई भी कराओगे? ट्राई कराएंगे, बच्चों को ट्राई कराएंगे, लेकिन है ना आज रात हो गई है, रात में बना रही हूँ ये वाला व्लॉग, मैं रात को शूट कर रही हूँ क्योंकि आए थे तब तक 7:30 बज चुके थे। तो फिर आए खाना वाना का काम, मम्मी खाना बना चुके थे, मैंने सिर्फ चपाती बनाई, मम्मी बच्चों के चपाती भी बना चुके थे, बच्चों को खिलाए, फिर मैंने फटाफट मम्मी की रवि की बनाई। और आंटी आ नहीं रही क्योंकि आंटी ने वैक्सीन लिया, और वैक्सीन लेने के बाद क्या होता है ना, एक दो दिन तक थोड़ी सी लो रहती है लाइक आपकी तबीयत ना, तो उन्होंने दो दिन की छुट्टी ली। आज भी वो नहीं आई थी, कल भी वो नहीं आई। मैंने फ़ोन करके पूछा आपको कैसा लगा, उन्होंने कहा कि मेरे को आज भी ना अच्छा नहीं लग रहा था। हमने कहा ओके ठीक, कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो। तो फटाफट से पूरा किचन क्लीन किया, सारे बर्तन धोए, सारा काम ख़त्म किया, मैंने अपनी मम्मी से बात की, अपनी सिस्टर से बात की,
और उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन किसी और ब्लॉग में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरी सिस्टर की जो डॉटर है ना, उसके बारे में तो वो बताऊंगी बाद में कभी। तो उसके बाद मैं आई, मैंने कहा कि चलो अपना फटाफट से शॉपिंग हॉल दिखा देती हूँ सबको, ताकि आपका भी मन हो अपने बच्चों के लिए जल्दी से जल्दी लेने का। समर आती है ना, ऐसा लगता है एक बार शॉपिंग कर लेनी चाहिए समर के कपड़ों के। आई एम वेरी हैप्पी, और सब कपड़े देख के मुझे इतना मन कर रहा है मेरे को भी मिल जाए पहनने के लिए, बट नहीं मिल सकते। अब मैं मम्मा हूँ, मम्मा को ऐसे कपड़े अलाउड नहीं होते हैं, मतलब होते हैं लेकिन उसके लिए फिगर होना चाहिए, और मम्मा आपके पास ऐसा फिगर नहीं है अभी, तो मत देखो। चलो ठीक है, ये सब बातें तो चलती रहेगी। आई होप आपने इंजॉय किया हो, आपको मज़ा आया हो, आपको बच्चों का शॉपिंग हॉल अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा, मज़ा आया, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, ऑल इज़ वेल।